जैसा कि आप सारे छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड सिटिंग में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास टेंथ में, मैं उसके ऑब्जेक्टिव का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस केवल आगे पीछे होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, तो आप क्वेश्चन को मिला लें क्योंकि यहीं आपको सबसे सही सही सॉल्यूशन मिलता है। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार दिया गया है और इसकी बराबर भुजा दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बी बटा चार रूट ओवर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आए, डिटेल सोल्यूशन भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, हालांकि इसको 100% सही करने की कोशिश की गई है, 100% सही था पिछला सेटिंग का, तो ये सेटिंग भी 100% सही है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है कि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बटा बी टू के, तो एक बटा तीन बराबर नहीं होगा माइनस दो बटा के, तो के का वैल्यू नहीं बराबर होगा तीन दूनी माइनस छः के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो छाया, देखिए 45 डिग्री पर ऊंचाई और छाया ये दोनों समान होती है, ठीक है, 45 डिग्री पर ऊंचाई और छाया दोनों समान होती है, तो ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो 4 और ये दोनों लंब में होता है, तो 4 और 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से भी त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आपकी त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं, ये है 5, कर्ण है 5 और ये लंब है 4, तो आधार हो गया 3, ऐसे आप पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सतह पर एक समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है? दो पासों को उछालने पर जो फाइनल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 36, और आप देख सकते हैं कि दो पासों को उछालने पर जो फाइनल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 36, और सेम आ सकता है 1 1 2 2, इस तरह से आ सकता है 6 पीस, तो फाइनली जो हमारा बनेगा वो बनेगा 6/36 यानी 1/6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे जो हमारा है इसके आवाज गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए निकाला गया है 4 आवाज गुणनखंड है, 5, 7, 11 और 13, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 + tan² θ का वैल्यू sec² θ, 1 + cot² का a का वैल्यू cosec² a, ऊपर जाके sin² या नीचे जाके cos² sin² / cos² tan², ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि मिनट की सुई 21 है सेंटीमीटर लंबी है और 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी? तो 60 मिनट में यानी एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में ये बनाएगी 60 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 × πr², तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे, आर का वैल्यू 21 रखेंगे, तो हमको जो आएगा वो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटेल्ड वीडियो में सबको बना के दिखाया जाएगा, हमारे चैनल पे विजिट कर ले, जाके प्लेलिस्ट देख ले, अभी नहीं एक दो दिन में उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ये बिंदुएं कहाँ अवस्थित है? तो आप देख सकते हैं कि एक जो बिंदु है ये वाली सेकंड वाली वो अवस्थित होगी इधर और एक बिंदु अवस्थित होगी इधर, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसके हल कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हल है, मैंने इसको सॉल्व किया है, सिंपल आसान है, पहला से दूसरा को घटा दीजिए, 2x कट गया, 3y और माइनस होगा तो 7y का मान हो जाएगा 35, तो y का मान हो जाएगा 5, y का मान 5 केवल हमको इसी में दिख रहा है, d में d सही हो गया, आप x का मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह cot 90 माइनस थीटा का मान होता है tan θ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, cot थीटा का वैल्यू √10, तो पहले cosec थीटा से पहले आप sin थीटा निकालिए, sin थीटा हो गया 1/√10, फिर आप वैल्यू निकालिए cos θ का फॉर्मूला होता है √1 - sin²θ, तो √1 - इसका स्क्वायर हो गया
एक बटा दस, नौ बटा दस हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू नौ का रूट तीन और रूट दस, ये हो गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। सेक थीटा निकालने के लिए उल्टेंगे तो रूट दस बटा तीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, ये देखे सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक कौन होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू बाई वन प्लस बाई टू बटा टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वृत्त का, तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो टोटल हो गया 16, इसका हो गया व्यास 16 जो कि वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण 16 तो इसकी भुजा रूट टू से भाग दे दीजिए तो 8 रूट टू। अब वर्ग की भुजा 8 रूट टू तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 8 का स्क्वायर 16, रूट दो का स्क्वायर सॉरी 8 का स्क्वायर 64, रूट दो का स्क्वायर 2, तो 64 दूनी 128, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बना के रखा है, ये थोड़ा सा बच्चे को घुमाने के लिए फिगर था। ये देखिए एबीसी दिया है लेकिन इसका इस तरह से फिगर बनेगा और डीईएफ का फिगर ऐसे बनेगा, तो आप देख लीजिए ए बी ठीक है और डीई, ए बी डी ई ठीक है यहाँ पे, और बी सी, बी सी का कम्बिनेशन किया है डी एफ के साथ। यहाँ पे देखिए डी एफ दिया हुआ था तो मैंने बनाते टाइम देखा कि अरे यहाँ पे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर इसको मैंने इस तरह से फिगर बनाया, तो आप देख लीजिए इसके अनुसार से बिल्कुल सही है मेरे फिगर के अनुसार से ए बी, ए बी बटा डी ई ठीक है, और इधर देख लीजिए आप बी सी बटा डी एफ ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो बी बराबर हो जाएगा किसके, डी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। मैं मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, वो अर्ग करेंगे भाष करेंगे, लेकिन यही आंसर सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किसी रैखिक समीकरण जिसका युग्म असंगत है, मतलब इसका हल नहीं होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो समांतर रेखा होता है। अब इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मासा है तो लासा का फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, जब बटा करेंगे तो 510 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6, 8, 22 का लासा और मासा का अनुपात कितना है, तो इसका लासा हो जाएगा 264 और मासा हो जाएगा इसका 2 ठीक है, तो 264 बटा 2 करेंगे तो 132 बटा 1 आंसर आएगा इसका। टेन थर्टी, टेन थर्टी का मान 1/√3, साइन थर्टी का मान 1/2, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉसेक 30 का मान 2, तो ये दोनों कट गया 1/√3, 1/√3, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, निश्चित से स्क्वायर का वैल्यू 216, तो ए का वैल्यू 6 आएगा ठीक है, ए का वैल्यू 6 आएगा, 6 का क्यों करेंगे तो 6 × 6 = 36 × 6 = 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने बी लगा दिया है लेकिन इसका डी होगा, क्योंकि बी में भी देखिए जब एक्स क्यू होगा तो एक्स क्यू कट जाएगा लेकिन तो वो द्विघात समीकरण ही बच जाएगा, लेकिन जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x² और ये 2x² कट जाएगा जिससे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना, देखिए ऊंचाई समान रहती है तो जो आयतन का अनुपात होता है उसको रूट कर देते हैं तो वही वक्र पृष्ठों का अनुपात हो जाता है ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात इसका हो जाएगा 9√3 और 16√4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देखिए जो पी है वो ए और बी का जो मध्य बिंदु है, तो बाई का मान क्या होगा, तो सिंपली जोड़ लीजिए 5 + 22 / 2 का मान 6, तो 6 × 2 = 12, 5 + 22 = 12, तो बाई का मान हो गया 12 में से 5 गया, ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल है, कल मैंने बताया था जब दोनों का जोड़ हो जाए 90 तो हो गया 1, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी। फिर इसमें देखिए 830, इसमें सिंपल है 830 में भी a प्लस 29 डी होगा और इसमें होगा a प्लस 19 डी, जब दोनों को घटाएंगे तो 10d का अंतर होगा, 10d का मान है 5 तो 10 × 5 = 50, ऑप्शन नंबर सी। अभी यहाँ देखिए इसके शून्य कौन से हैं, तो जब पहले तो इसको आप 2 से भाग दीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमको फ्री रखना होता है, तो 2 से भाग दिया तो इसका वैल्यू हो गया -6 और इसका वैल्यू हो गया 5/2, ये दोनों का रिक्वायरमेंट केवल फुलफिल कर रहा है, जब हम इसको गुना करेंगे तो ये दे देगा -6 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो दे देगा -2.5 जो यहां पे +2.5 के रूप में दिख रहा है क्योंकि यहां पे फॉर्मूला होता है -α + β का ठीक है। अब यहाँ पे आइए, दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए 33 संख्याएं फाइनली
दो अंकों में 33 संख्याएं फाइनली डिवाइड हैं और बाकी 3, 6 और 9 निकाल लीजिए, 3, 6 और 9 निकाल लीजिए, 1 से 99 तक 33 संख्याएं और 3, 6, 9 निकाल लीजिए, यानी कि 3 निकाल लीजिए तो 30 संख्या बच गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। साइन ए का वैल्यू 8/7, पी का वैल्यू 8 और एच का वैल्यू 17, ठीक है, तो बी का वैल्यू हो गया 15, पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं। कॉटे का वैल्यू होता है बी वटा पी, तो 15/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये तो एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसके भूमि पर छाया की लंबाई के समान है, देखिए बताए थे जब ऊंचाई छाया समान होता है तो इसका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए और बी दो ऐसे नहीं, उनको नहीं, इसको साइन थीटा में बदल दीजिए, ठीक है, तो 90 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी इधर आ जाएगा माइनस में, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आए, मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। इसकी दूरी क्या है, 3 में से 1 गया, 3 में से -1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 4 गया, -2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 का रूट हो गया 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, उनका ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो 1 का स्क्वायर × 5, 2 का स्क्वायर 4 × 3, तो 5 और 4 = 12, 5:2 हमारा हो गया, 5:12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी 5/12। इसमें देखिए कुछ नहीं है, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आ रहा है 22 + x/5 = 7, ठीक है, 7 × 5 = 35, x का वैल्यू हो गया 35 में से 22 गया 13, ऑप्शन नंबर सी। sec थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, तो 1/cos थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, cos थीटा का वैल्यू दे दिया, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान cos थीटा का वैल्यू से हम क्या करेंगे, देखिए 2 sec² थीटा, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये पता है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 sec² थीटा + 2 sec² थीटा + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sec² थीटा, यानी फाइनली हो जाएगा 4 sec² थीटा + 2 - 7, ठीक है, तो 4 sec² थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2/3 पलट के हो जाएगा 9/2, यानी कि 9/4, तो ये कट जाएगा, 9 × 2 = 11, 11 में से 7 गया, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी बहुपद के, इस बहुपद के शून्यक कौन से हैं, तो इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो है 3 और -1, कैसे, तो गुना करेंगे तो -3 देगा और जब जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू होगा +2 और यहाँ पे -α/β होता है, तो -2, देखिए यहाँ पे 2 देख रहे हैं, +2, तो माइनस तो फॉर्मूला से आया और +2 देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे मात्र 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पासा फेंकने पर सम संख्या आ सकता है 3 पीस और टोटल 6, 3/6, 1/2, ऑप्शन नंबर डी। 96 का आवाज गुणनखंड क्या है, यहाँ पे करके लिखा गया है 96 का आवाज गुणनखंड 2^5 × 3, ऑप्शन नंबर सी। आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए 1 − cos²θ sin²θ, 1 + cos²θ cos²θ, दोनों गुना होके 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ये दोनों समांतर हैं, तो AD / AB, यानी AD टोटल, तो AE / टोटल, टोटल का मतलब AC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें से कौन सा पद शून्य है, तो मान लिया x+1 पद शून्य है, प्रथम पद हो गया 21 + x+1 पद शून्य, तो जब इसमें 1 घटाएंगे तो x बच जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस है, इसका सार अंतर है -3 = 0, तो फॉर्मूला बस मैं वही लगा रहा हूँ, a + n − 1 × d, ठीक है, तो -3x का वैल्यू 21, तो 3x का वैल्यू हो गया +21, x का वैल्यू 7, तो x+1 मैंने माना था, तो 7 + 8 = 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रथम पाद में x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, x अक्ष से दूरी कोटि और y अक्ष से दूरी भुज, ठीक है, तो कोटि होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुपद रत्ना के शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो बहुपद देखिए मैंने बना लिया -x × 2x² − -+x + 2 तो बहुपद, तो शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a, तो c का वैल्यू हो गया 2 और a का वैल्यू हो गया -1, नहीं इसका आंसर होगा -2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा समांतर श्रेणी में, देखिए मैंने इसको तोड़ के रखा है 2√2, √2, √2, √2, 3√2, 4√2, इसको घटाएंगे सब हमेशा √2 आएगा, ये समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x नीचे है, तो जिसमें x नीचे होता है वो बहुपद नहीं होता, बाकी सारा का सारा बहुपद है। अब इसका बहुलक कौन है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 बहुलक है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो बहुलक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस ये समांतर श्रेणी में है जब x का मान है, तो देखिए दूसरा पद को पहला पद, दूसरा पद से पहला पद घटाइए, तीसरा पद से दूसरा पद घटाइए, दोनों को बराबर कीजिए, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द्विघात बहुपद के मूल समान हो तो p का मान कितना होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना पी गुना 3 का मान होगा 0, यानी 12 पी का मान हो गया 16, तो पी का मान हो गया 16 बटा 12 यानी 4 चौ 16, 4 तिया 12 यानी 4 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। तो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है, इसकी मूल बिंदु से दूरी है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, 13 का रूट रूट 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको कीजिए आप बराबर के बट्टा माइनस 4 का वैल्यू माइनस 6 बट्टा माइनस 3 के बराबर होगा, यानी कि ये कट गया दो बार का माइनस 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 57 समांतर श्रेणी इतना का मध्य पद कौन सा है, तो कुल पदों की संख्या 31 हो गई, मैंने निकाल लिया लास्ट पद माइनस प्रथम पद बट्टा सार्वंतर और प्लस 1 करके 31, 16वां पद जैसे ही निकालिएगा 111 आएगा। डिटेल सॉल्यूशन इसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। फिर इसका भुज कौन सा है, तो भुज है ये देखिए ऑप्शन नंबर वही एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी इसकी भुज कहलाती है 6 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 6। फिर इसका वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, ऑप्शन नंबर बी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन आइए, इसके अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस 5 बटा 1 यानी माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको सब्जेक्टिव के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आएं, और अगर आपको कल के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके बता दें, और CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।